इसके पहले का सीन आपने देखा, भूसा घर से लेके मैं चला हूँ। यही सांड है, पैर इसका एकदम टूट गया है। ये सांड है, ये इतना भूसे की बर्बादी हो रही है सब। अगला पैर देखो, कितनी मक्खी बहने ऐसा नोच रही हैं। ये 7 जन्म इनके पैर ठीक हो। अरे इनके लिए तो बढ़िया कोई या तो गौशाला में ये जाएं, है कि नहीं। पैर देखो आज वहाँ घुटने के लगे, अब वहीं मक्खी अलग लग रही हैं, सड़ के मर रहे हैं। वाजपेयी जी हमें एक लगे हैं अपन चारा पानी के, हैं कहने हम कहा भूसा भैया हमारे यहाँ रखा है, भूसा हमें आगे के गैरेज में चल के रखवाए देखे। अच्छा, और ये सांड की हालत है, सोच रहे हो कितनी बड़ी रायबली में कोई। हम तो जबकि इनकार कर दिया है कि आप सड़े दो मरे दो, हम बुढ़े हो गए यही करते करते। घर में दो दो बंदर भरती है, एक गैया जाड़े में 3-3 जानवर रखे, उनकी सेवा किया है, झेल जाते हैं। कितना पैसा लगता है, कौड़ी लगता है, इसीलिए कैमरा रखते हैं कि बहुत से कुत्ते कमीने जो है ना, ईर्ष्या करने वाले, वो टीका टिप्पणी करते हैं। उन कुत्तों के लिए हमको एक कैमरा रखना पड़ा है। क्यों, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। यह भूसा आ गया है जहाँ से मैं दरवाजे से लेके चला था। अब यह है इनकी हालत है, पैर में तो अगर पैर में मक्खी बिकी लग रही हैं तो सब आए वही ना कि हैं है? हाँ नहीं, अब तो अब वो डॉक्टर के देखें आकर के। एक जने तो कहेंगे हम 150 रुपया रोज खर्चा करी थे, कौन डॉक्टर साहब हैं और वही कौन हैं है? खर्च कराओ देखिए मच्छी कहाँ लगी है। 150 रुपया बता रहे हैं कि हमारा रोल लग रहा है, और गेहूँ उनका हम वैसा का बोलत हैं कहाँ से। अरे काम वो करो, भूखा रखो इनका, थोड़ा चारा रखो, बर्बाद ना करो, जरा सा चारा दे। वही पैर की हाल देख रहे हो, पैर की हालत का है, ये जो सब यह है पैर की हालत, यह है जख्म इसका है। हजारों आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं कितनी मक्खी काट रही हैं। अब इनका क्या उपाय हो सका, दवाई नहीं, जो भी हो पैर कटा पड़ा है, रीढ़ की हड्डी में चोट है, इसको मारा है अभी बताए पूछे तो मारा है बहुत। अच्छा अच्छा, पैर भी टूटा है, हम देखने आए, डॉक्टर आते हैं कभी कभी। नहीं उस तरह देखिए, जो पंचायती राज में काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, जैसे भी डीएम के सामने पड़ा होगा। हाँ ये बात भी निकलते हैं हजार बार। वाजपेयी जी जो हैं, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है? नितिन मिश्रा। हाँ तो अब ये वाजपेयी जी रोज सेवा कर रहे हैं, पंकज वाजपेयी। हम बरेली गए रहे तो हमारी बेटी ने इसको जो है कैल्शियम तो चढ़वा दिया जी। अब एक दिन के कैल्शियम चढ़ने थोड़े इनका लग के इलाज हो, लग को इलाज है। अच्छा, ये पानी भी करें। पंचायती राज में कोई आया कोई नहीं आया, अब मक्खियां देख रहे हैं कितनी इसके लग रही हैं। है देखो, हम कहे थे यही का पलटा जाए, पलट लिए तो यह पाव हो जाए खाली। हाँ यही का कुछ डॉक्टर मंगवा लो, वो जितना पैसा नहीं, वो बताते हैं ना पंकज वाजपेयी कि मेरे 150 रुपए रोज खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर। ठीक, आज उनसे पूछेंगे कि महाराज ये 150 रुपए रोज काहे में आप, नहीं नहीं ये आखिर कौन सा डॉक्टर है, क्या कर रहा है इसके लिए, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 150 रुपए रोज पर डे बता रहे हैं, 150 रुपए पर डे तो होता नहीं है। कब पर डे होता है नहीं, वो खिलाई पिलाई सब जोड़े कि डॉक्टर आता है और इंजेक्शन लगाता है, ये क्या नाटक हो रहा है महाराज। तो बस नाटक। अब हम अकेले आदमी तो नहीं, हमने इस्तीफा दे दिया है, हमने पूरे अखबार में मैंने दे दिया है कि एक मालूम है रायबली का सबसे बड़ा सांड पैर कट गया था, और उसको मैं अपने किस तरह घर लेके गया था, एक वो भी जमाना था, वो भी जमाना था रायबली का सबसे, इसका रहा 3 गुना बड़ा, हम घर में रखे 1.5 महीने, ये आदमी गवाह है। तो रायबली के सबसे मरकहा सांड हमारे घर में रहा भी 1-2 साल पहले, 40 लोगों को मारे रहा, उसको भी मैंने घर में रखा। अब हमारी हिम्मत, हम हार चुके हैं, मेरे घर में 2-2 बंदर भरती हैं इस समय। तो हमारा ये कहना है कि लोग वाजपेयी महाराज ये खर्चा कर रहे हैं, हमने कहा भैया एक लग करके इसको लगवा फंदवा के नहीं अस्पताल ले चलो, अस्पताल में डालो या गौशाला में डालो, या बताओ हम डीएम साहब से मिलें, फिर डीएम साहब से मिलना पड़ेगा। तब आपके बंगले के पास में ये साल पड़ा हुआ है,
निकलते हैं, सब निकलते हैं, उनको भी देखने चाहिए। रोजर रोजर ससुरा एक त्यौहार अनबोलता वाला जानवर है। नहीं नहीं अनबोलता नहीं, ये शंकर जी का वाहन है, नंदी है, और यहाँ लोग जाते हैं पत्थर के नंदी में पानी चढ़ाते हैं, हनुमान जी को लोग लड्डू खिलाते हैं जा करके। अरे हनुमान जी को लड्डू कभी खाए हैं हनुमान जी? बंदर खिलाओ जा करके, या साक्षात नंदी, कितने नंदियों के इलाज किया, लेकिन अब हिम्मत हम हार गए। मेरी उम्र हो गई 75 साल की, लेकिन अभी हल्का कर रहे हैं, मैंने अब भी नहीं रहा गया, तो हमने कहा चलो अभी भूसा वहाँ हम रखवा देंगे। वो एक साहब और कोई रहे वर्मा जी, शहजादे कोठी के बगल वाले, वो आए ये आए वो आए। इस तरह पंचायती राज से नहीं काम होता है, लग के करना चाहिए। बताइए कभी जुम्मा एक दिन दो दिन आगे होंगे, वही तो 150 रुपए बताए पर डे। बताइए इसके मक्खियाँ आप देख रहे हैं, लग रही है मक्खियाँ, देखिए आप ये पैर की हालत है, ना कोई मलहम है ना कोई पट्टी है। अरे जो करो ढंग से करो, है वरना इसको तड़प तड़प के मर ले जाएगा बेचारा, तड़प क्या हमारे बेचारा। नहीं एक बात बताए, जो करो सही करो। अरे भाई वे खुद ही डरा तो इसका इलाज का करे। अरे सरकार अस्पताल पहुंचा दो सब लोग मिलके, तब गाड़ी में लदवा के सरकार अस्पताल पहुंचा दो, वहां राम सिंह का इलाज होगा। वही तो नहीं किया महा हो की गाय और गधा घोड़ा। अरे कितने जानवर का इलाज किया महाराज, जिंदगी बीत गई इसी में। आप इसको इस हाथ डालिए, बनाइए हम ऐसे दूसरा हाथ नहीं, देखिए आज इसी लिखा। हाँ हाँ ठीक, देखा चमक इधर इधर हम बोलेंगे। अब आप उधर ये अब इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं, शिवरात्रि के पहले से पड़ा हुआ है। हम बरेली गए हुए थे, हमको बाहर कई बार जाना पड़ता है, लोग बुलाते हैं, हमारी भाषणों को सुनते हैं, हम लेते तो है नहीं किसी से कुछ, तो ऐसा आपको वक्ता कहाँ मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक लोग आए, दो लोग आए, कोई एक दिन किया, किसी ने दो दिन किया, किसी दिन दो दिन किया, एक इस तरह काम नहीं होता है। उसका सब इलाज हो राज्य से अस्पताल में, वो पंकज बात कही सकाएंगे हमारा, हमारे साथ चलिए अस्पताल, अस्पताल में बात कीजिए, नहीं वो व्यवस्था करते हैं तो आप चलिए डीएम से मिला जाए कि साहब यहाँ 8-8 गौशालाएँ रायबली में चल रही हैं, तो कहीं नहीं उनका लाइसेंस रोक दिया जाए, क्यों नहीं रद्द किया जाता है। 8 गौशालाएँ हैं, गौशाला वालों का काम है, अब ले जाओ इलाज कराओ अपने घर रखो, वहाँ जाके गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं यहाँ। हम तो एक फूटी कौड़ी नहीं गवर्नमेंट से लिए, आज होली के दिन है, लेबर को ले करके भूसा लेके आए, क्यों वाजपेयी ने कहा कि भूसा हम मोल ला रहे हैं, कहा भूसा मोल ना लाइए भूसा, लेकिन इतना खा दो, इतना मत दो, इतना जो भूखा रहेगा सब खा जाएगा। अब इसमें वो सब बर्बाद हो रहा है, क्या फायदा, लोग हमारे तबक्के लग रहे हैं। सब चीज़ का एक तरीका होता है, इसको लदवा के अस्पताल में हो तो मलहम पट्टी हो इलाज हो, अस्पताल में चल के बात किया जाए, आज बात करेंगे। अब यहाँ तो रोज तो ससुरा एक त्यौहार होता है, और दो दिन चार दिन होली होला में चला गया, ये नए लोगों को दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, अब ये भागवत कथा हुआ, मानव सम्मेलन हुआ है, ये मानव सम्मेलन के आयोजकों को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए है। हमारे यहाँ यहाँ सेंटर में चल इतने पेट मारे खसीट के लोगों को कि इनका थोक देना चाहिए हड्डी है। भाई एक बात बताइए महाराज, आप 1000 रुपया खर्चा करके आप फंसे सुनो का कि भूखा हुआ ले जाओ गैरेज में, जहाँ वो बोर्ड लिखा है वही के अंदर रखाओ जाके। तो आप तमाम भूखे लोग बैठे हो और वहाँ 5-star होटल की मीनू सुनाई जा रही हो, रोटी का ठिकाना नहीं है, 5-star होटल का मीनू आज मेरे समाज में यही हो रहा है, मीनू सुनाया जा रहा है। कितने लोग ईर्ष्या करने वाले, कोई टीका करेगा, वो साधु जी जहाँ जाते हैं वो कैमरा, इतने झूठे तुमको मारना चाहिए वैदिक रंडी का औलाद, इसलिए हम साधु कैमरा क्यों लेके चलता है बे, इसीलिए जो सारे समाज में सब अंधापन हो रहा है, इसीलिए सैम साधु कैमरा लेकर चलता है। कंडीशन देखो, खाओ देखो, और मैं जो कहता हूँ वो सुनो। मैं बरेली से नहीं भेजा हूँ, मेरे एकदम लाइट आपसे हमेशा कैमरे का लाइट बाइक में होना चाहिए। बाहर भी जाते हैं, सारा जिंदगी तो इसी में लग गया, गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर कुछ बचा नहीं, लाखों रुपये घर का, करोड़ों रुपये घर का बर्बाद कर दिया। अब बुढ़े हो गए, अब क्या अकेला हिंदू मैं हूँ क्या, और लोग नहीं है, 4 आदमी मिलो गठन करो और उपाय।
के चलते भरना लायक नहीं, उसको किसी तरह लाद के बांध के ये जो माल ढोने वाली ठेलिया आती है उसी ठेलिया में इनको लाद बांध के किसी तरह अस्पताल में डाला जाए। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाले कि एक हफ्ता आप, एक हफ्ता आप, जी है, अरे हम तो अकेले झेले, अकेले झेले गए, मिटा दिया अपने आप को, लेकिन ये बुढ़ापे में हम कहाँ तक करें। वही बताएं ना, क्या लोग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, नाटक क्या है, काम करो, ढंग से करो। आज वाजपेयी जी से बात करेंगे कि महाराज जिसको टिकवाइए आप, इतने बड़े आदमी हैं, आप सेवा करते हैं, लेकिन जो आप जिसको अस्पताल दे सकते, अरे पैर में देखिए इतनी इतनी मक्खियाँ लग रही, कीड़े पड़ जाए, इतनी इतनी मक्खी लगी, नोच नहीं है, खाओ खड़ा है लावा, हमारे बस का नहीं रह गया। इसके पहले रायबेली का सबसे बड़ा सांड, आज हो गए करीब करीब 20 साल पहले की बात, काला वाला बहुत बड़ा था, तीन महीने मेरे घर में रहा। अभी सन 2012 में रायबेली में एक डुमकटा सांड रहा, डुमकटा सांड 40 लोगों को पटके रहा, इसी 2012 में उसको घर में रखे दो महीने रखे मारा, अंत में वो मर गया, ऐसे देखे घाव रहा, भुंडा रहा, वो मर गया। दो महीने हम खेले हैं, बताओ 40 लोगों को पटकने वाला सांड, मैं अकेला आदमी, हम या तो हमारी बेटी, जान पर खेल के हम लोग काम करते हैं, काले मुंह का बनकर मेरे घर में अभी भाई छोटे जानवर है, अभी हम कर रहे हैं। अब उनके पास जाओ, बड़ी जोर से मतलब वो लगवाता है, अपाहिज है बंदर, पड़ा हुआ है, वो कभी ठीक होगा नहीं, मर रहे इसके लिए देखे, लोगों ने कहा कोई काम करो, लगे करो, ये यही लाइब्रेरी के लोग, क्या ये लाइब्रेरी के लोगों को मानव सम्मेलन बंद नहीं करवा देना चाहिए, खेत लेके जाएं और जो आयोजक हो 20 बेत उनको पहले घसीट के मार दें, ये क्या है, ये श्याम साधु को ही मतलब नहीं, ये श्याम साधु को ही देखना चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए, वही रास्ते निकालते हो, देख लेना चाहिए, अब कम से कम हिंदू को तो जरूर करना चाहिए जी। तो अभी कोई नौटंकी हो उसको जाने चले, अरे हम पैसा फेंकेंगे, 55,000 करोड़ ऐसे बाबा को दिया जो बाप बेटे जेल के अंदर बंद, हाँ तो वो बाबा का दोस्त नहीं है, जनता का दोस्त है, माना सम्मेलन आपका, कोई सीता बनी, राम बना, लक्ष्मण बना, कुछ बना, कुछ हो तो बता दे, सब कहना है वो राम ने ये संगठा, अब तुम चलो, हमारे राम ने ये किया, सीता ने ये किया, यही कैमरे के आगे बोलते बोलते फिर भी लोगों की ईर्ष्या होती है, लोग हमारे में कमी ढूंढते हैं, वो साधु जी का अरे कैमरा लेके मैं क्यों जाता, कैमरा देखे हकीकत की, क्या मतलब है, कोई हमको नोट कमाना है या वोट कमाना है, क्या लेना है, लेकिन ना बस कहीं गाय मर रही है तो श्याम साधु, गधा पड़ा है तो श्याम साधु, ये हमारा समाज है, डीएम के बंगले के पास पे उनकी बाउंड्री है सामने, अरे हजार बार निकलते होंगे इसी रास्ते, नहीं अब अभी तो नहीं आई है, हाँ अभी नहीं निकलती, नहीं निकलती, देखना चाहिए, जानवर है, दिक्कत है, कुश्ती लेना है भैया, जजा लेना चाहिए, इसीलिए मैं कैमरा रखता हूँ, मैं ये चाहूँगा, नहीं आई है, देखिए उससे कहेंगे मैडम ये 8 गौशालाएँ चल रही, क्या ये आखिर क्यों है, क्यों चल रही हैं, देखना चाहिए जानवरों को, यहाँ के आके 8 गौशालाएँ हैं रायबरी में, उनको वो गवर्नमेंट से उनको पैसा मिल रहा है और सारे यहाँ तड़प तड़प के मर रहा है, अब एक बार कई जी लगे हैं, उन्होंने कहा हमारा 150 रुपया रोज खर्चा हो रहा है, लगते के वसीम है इतना, डॉक्टर का इतना फीस काम था, चलो मारा अच्छी बात, लेकिन अभी देखा अभी नहीं कंडीशन देखा, उनका लगा रहे हैं जानवर, इनका आशीर्वाद किसी को, उनका एडजस्ट हो जाए, अरे आशीर्वाद नहीं, मैं तो 2 लाख रुपए दूंगा पूरी रायबरी को, मैं चैलेंज करता हूँ कि रायबरी का एक भी कोई भी आदमी ये बता दे, इसके बाद अमरनाथ की यात्रा है बस, हाँ इसकी सेवा से बढ़ के, इसकी जान बचाने से बढ़ के, अमरनाथ की यात्रा कुछ नहीं है, अमरनाथ की यात्रा है, ये सिद्ध कर दो, हम 2 लाख रुपए देंगे, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, तारीख आज की 17 है, आज होलिका दहन है रात, 16 तारीख, आज 16, आज 16 है, कल 17 है, 16 तारीख है, ठीक, इसके पहले मैंने जो 17 बोला है वो 17 ना माना जाए, 16 माना जाए, जो मैं घर से भूसा लेके चला था, तो आज 16 मार्च 2014 है, आज ही होलिका दहन है ना आज जी,
रंकल खेला जाए। रंकल तो हमारा मतलब कि लोग सुनो जानो और उसके बाद चुप लगा के बैठ जाओ। अरे भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना पद चाहिए, हमने तो अपने आप को होम कर दिया, इसी ने जिंदगी लगा दिया। क्या इसीलिए कि रायबरेली हमको एक हिंदू ना दिखाई पड़े, एक महात्मा ना दिखाई पड़े? सोचिए, अभी भूसा आया है, वहाँ रखवा दिया है। वाजपेयी जी ने कहा कहीं भूसा मोल लाइट है, कहा नहीं भूसा है हमारे घर में रखा, हम जो भी भूसा लगेगा हम देंगे, लेकिन ये बर्बादी नहीं होनी, इतनी सानी दो, ये केवल जिंदा रहे बस, खाता रहे, इतना तसान हो गई, देख रहे हैं सब भूसा भूसा बिछरा पड़ा, बर्बाद कर दो, बाहरी जानवर आके इसको आगे खा जाएंगे, क्या नाटक से क्या सही तरीके से। अरे किसी चीज में दे दो, अच्छा हमसे उन्होंने कहा 150 रुपये हमारे रोज लग रहे हैं, एक डॉक्टर रोज आ रहा है, वो डॉक्टर हम पूछेंगे महाराज कौन सा डॉक्टर है जरा हमको मिलवाइए, तो अभी तक उसके यहाँ घुटने में इतना गहरा घाव है, मार मक्खी टूट पड़ रही है, तो अब यही है रखेंगे अस्पताल में, अगर ले जाइए तो भर्ती करने के लिए तैयार रहे, नहीं अरे पैसा लो कम से कम करो तो भैया तुम, नहीं नहीं आप पैसा देके न भी करो तो वहाँ पर तो यही अमरनाथ की यात्रा है बेटा, अगर तुम्हारे खानदान में तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई कथा रामायण बैठवावे तो उसको हाथ जोड़ के पैदल करता हो, ये महाराज यही रामायण, यही भागवत, यही अमरनाथ, और अगर नहीं है तो हमें बता दो कुछ, अगर नहीं है तो बताओ। कतले आम हुआ मुजफ्फरनगर में, कहा अल्लाह मियाँ आए और ये राम आए, कौन आया हम बता दो, कतले आम हुआ मुजफ्फरनगर में, दंगा हुआ तो उन्हें उनके खुदा है ना हमने राम आए, ये है मेरा अंधा समाज, और मार मरे जा रहे हैं खुदा राम के नाम पर, यही खुदा है यही राम सामने है, इससे बड़ी कोई कथा नहीं। एक आश्चर्य होता है कि श्याम साधु कहीं गधा, श्याम साधु लोग फोन किया करते रहे पहले, हमको बहुत लोगों को हमको डांटना पड़ा, हमने कहा महाराज हमने कोई ठेका दिया है या आप लोग हमको पैसा देते हैं, मामला क्या या कि हम गवर्नमेंट से पैसा लाते हम मतलब लाते हैं ना, हम गवर्नमेंट से लाते हैं ना, हमारी मदद करते हैं, हम घर द्वार बेच के कब तक करेंगे, आसाराम जो बंद है जेल में वो उनकी गलती नहीं है, दोषी तो हमारी जनता है। अभी कल मैं भवरों छुट गया था, जब कोई बाबा आ जाए हुड़ंग बाबा, वो घोड़ा रखे हाथी रखे क्या काम नाटक चल रहा है उनका, कम से कम 20,000 औरतें आई रही उनके दर्शन करने की वहाँ भवरेश्वर रायबरेली लखनऊ के बाजार जहाँ दो निगुआ के पास जहाँ 2,000 बन सकते, हम तो हरिद्वार में हमारा जाना होता है तो अपनी बात व्यवहार की वजह से हमको कल जाना पड़ गया, कल शाम तो गए भीड़ से कि काली देहात वालों को ये बता दो कि देखो इनके देवी देवती हैं, इनके नाग देवता आवत हैं, इनके भगवान आवत, इतना खाली बता दो बस, तो देखिए भीड़ आप तो कोई 50 रुपया दे सकता है कि 55,000 करोड़ आसान को क्या है 55,000 करोड़ चूतियाँ हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा था यह जग अंधा और के समझा, पूरी दुनिया को उसने अंधा कहा, कबीर के जैसा कोई ने पैदा हुआ, कबीर के जैसा संत न हुआ था ना है ना होगा, पढ़े लिखे नहीं था लेकिन हर बात उनसे जवाब सही बात बताता था, पूरी बात कह गया यह जगंधाव के संत, सब पागल है करना सत्य बात बात भाई, तो भाई हम ही के लोग पागल करते रहे, अब ये पागल सबका बाप बन गया, लोगों की गोलती बंद कर देता है, मैंने अभी पूछा ना कि मानस सम्मेलन क्या मानस सम्मेलन में पैसा लगाना चाहिए किस पर लगाना चाहिए, और यही नहीं भाई गरीब बच्चा है कोई समस्या है कि इसके पैरों पे मार दिया है, रीढ़ की हड्डी में चोट है, अगला पैर यहाँ हड्डी टूट गई है, गहरा घाव है, और ये कहा हमने कहा पंकज बाजपेयी
कायम 150 रुपया रोज मजदूर खर्चा करी आते हैं नियम से, लेकिन 150 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं तो क्या फायदा? इसे बर्बाद भी करो, तुम इलाज भी नहीं कर पा रहे सही से। तो उन्होंने कहा भी हम भूसा मोल लेने जा रहे हैं, हम कहा नहीं भूसा हम लेके आएंगे, भूसा भी गैरेज में मैंने रखवा दिया है। मैं वहाँ बरेली में रहा 3 दिन, बाहर गया अयोध्या में था, तो हमारी बेटी आके इसको कैल्शियम चढ़वा के चली गई। इस तरह थोड़े इसका इलाज होगा, उनके भी पैसे लगे, आपके लग गए उनके लग गए, फिर भी हाल वहीं के ज्यों के त्यों। ये अस्पताल में हो पंकज वाजपेयी से कहेंगे देवी देवता भगवान शंकर का, भगवान भोले का ये वाहन है, वाहन है मानते हैं। और जागरण में लिखा है, और जागरण में मैंने दिया था उस दिन, मैं जा रहा था बरेली बछरावा, मैंने जागरण पर उस जागरण में लिखा है 28 फरवरी का है, 28 फरवरी के जागरण में लिखा है कि शिव बारात निकाली गई और घायल नंदी की किसी ने सुझ नहीं दिया, ये जागरण में लिखा है 28 फरवरी पत्थर की नंदी की बहुत बड़ी महिमा है, उसको पूजेंगे, वास्तविक नंदी है उसकी कोई। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं, भूसा यहाँ आ चुका है, कल पंकज जी से बात करेंगे कि महाराज आइए आप, जवान आदमी है, पैसा है, कौड़ी है, हमने तो अपने आप को मिटा दिया, हम कहाँ से इनके ऊपर लगावेंगे पैसा, ना हम कमाए ना हम धमाए, ना नौकरी ना चाकरी, ना कहीं मांगते हैं ना जांचते हैं, ना कोई हमको देता है। सिंधी समाज है, सिंध समाज के लोग हमारे यहाँ सामान दे देते हैं, तो हम बंदर वोट करते हैं रोज रोज का मेरा नहीं है बंदर रोज, आज भी मैं सुबह गया था बाल वोट बंदर वोट बाल वोट बंदर वोट, जितना हमसे हो सकता है हमको सामान देखिए। वो काम आसान है, ये काम बड़ा कठिन है, अब एक आदमी की बस का नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि अब आज पंकज जी से हम बात करेंगे कि महाराज इसको किसी तरह अस्पताल पहुंचवाइए, या दो चार आदमी इकट्ठे चलिए हमारे, चलिए हाँ डीएम से मिलने, हाँ डीएम से मिलने ठीक रहेगा। और भगवान के यहाँ महाराज ये भी आपसे 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 पूछा जाएगा कि आपने इस कंडीशन में जानवर को देखा, नंदी को आपने क्या किया? आप कहें हैं महाराज अरे हम तो अमरनाथ 3 बार गए हैं, तो कहे बेटा तुम ऐसा करो पागल खाने में बैठ कर भगवान के यहाँ यही जवाब मिले, सामने अमरनाथ देखे देखे सजीव अमरनाथ, बाप जिंदा अस्पताल में पड़ा है और हम बाप की तस्वीर में घर में उसे लड्डू और पिस्ता खिलाए दे रहे हैं, और बाप पड़ा है अस्पताल, वही है हमारा समय। माना समेलन लौटा है, माना समेलन ने कहे देर दिन को मारे उसे पूछे कि जनता करके बताओ, जनता को ये महात्मा अगर अच्छी बात बताएंगे तभी तो जनता करेगी। तो सीता ने कहा और राम ने कहा न तो आपको राम बनना है ना आपको सीता बनना है, और जो सीता जो सीता राम की कहानी सुनाते हैं उनसे आज तक किसी ने पूछा कि महाराज आपकी श्रीमती की सीता बन पाई, आपकी लौंडिया सीता है, आपकी अम्मा सीता थी नहीं थी? तो वाणी को विराम देंगे, 16 आज होलिका दहन है, 2014 16 मार्च 2014, जय श्री राम जय श्री राम जय। अब इसको